चीन के वजीर आजम ली शियांग अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम 3 रोजा दौरे के लिए 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत के इजलास में शरीक होंगे। चीनी वजीर आजम के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम वाहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। हर फौजी की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है, किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। कोर कमांडर्स का आज़म, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कॉन्फ्रेंस फोरम ने अदा किया। पाक फौज अवाम के गैर मुसलसल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानी को रायगान नहीं जाने देगी। फौज में मौजूद गढ़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मुअसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी इंतशार पसंदी के खिलाफ हुकूमत और दीगर इदारों को जामे तआवुन फराहम करती रहेगी। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ्फुज़ पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। मामला ज्यादा अरसा मुअल्लिक नहीं रहेंगे, सब चंद रोज में तय हो जाएगा। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। बानी पीटीआई जो कुछ करते रहे, फैज़ हमीद उससे सबसे ज्यादा बाखबर हैं। फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकता। IMF का पंजाब में पिछले दिनों में सब्सिडी पर एतराज़। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 शराइत आयद कर दी। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी न देने पर इत्तफाक किया। दीगर सूबों को पंजाब की पैरवी करने के वज़ीर आज़म के बयान पर भी सवालिया निशान। कोई सूबाई हुकूमत वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी न बनाने की पाबंद है। सूबे किसी भी इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका खात्मा करना है। ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पांव पे खड़ा होके खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की शराइत के तहत इकदाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात की मद में बदउनवानी का खात्मा करना है। महंगाई कम होने की शरह पर कहा, महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। कप्तान बदला, टीम बदली, मैनेजमेंट बदली मगर नतीजा ना बदला। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। बैटर्स और बॉलर्स बुरी तरह नाकाम। बारिश ने भी नाक होकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिंडी के मैदान पाकिस्तानी टीम के लिए शमशान बन गया। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी इबरतनाक शिकस्त। मैच 6 विकेटों से बांग्लादेश के नाम। सीरीज 2-0 से जीत ली। 185 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। जाकिर हुसैन 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान अजमुल हसन ने 38 रन बनाए। मैच बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेहदी हसन मेराज प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। पाकिस्तान को लगातार होम ग्राउंड पर 10 टेस्ट मैचेस में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश ने भी होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0, इंग्लैंड ने 3-0 से टेस्ट हराए। पाकिस्तान को दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। शान मसूद ने बदतरीन शिकस्त पर कौम से माफी मांग ली। कहा, हार पर बहुत मायूसी हुई, गलतियों से सबक नहीं सीख रहे। एथिक्स कमेटी की मीटिंग क्वेटा में बुलाएगी, हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके। मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी।
मैं कह रहा था भरोसा ना आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी। सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद, कहा यह असेंबली हमारी आवाज नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलोचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं, सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। अख्तर मेंगल NA-256 खुजदार से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से ला इल्म निकले, कहा मुझे इस्तीफे की खबर नहीं, हो सकता है उन्होंने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा भिजवाया हो। रहनुमा नून लीग सादर रफी का कहना है सरदार अख्तर मेंगर का इस्तीफा विफाक के लिए बुरा शगुन है। मुस्तनद बलोच सियासतदान का कौमी असेंबली से इस्तीफा तशवीशनाक है, इस इस्तीफे को मुअख्खर किया जाए और बात की जाए आइनी इंतखाबी सियासतदान सियासत के करने वालों के साथ हासिल क्या होगा। एमकेएम खफा मुतालबात और मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात, बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तहफ़ुज़ात से आगाह किया, शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़ुज़ात बताए। वज़ीर आज़म के एमकेएम के मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। एमकेएम का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी एहतजाज का फैसला, आवाम से एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की अपील। इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाब स्पीकर, बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो इंशाल्लाह डंके की चोट पे लाएगी। हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारा निजाम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10 15-15 साल इंसाफ नहीं मिलता, लोग तरसते हैं सर इंसाफ को, महंगा इंसाफ है, उसमें बहुत सारे मराहल हैं जो हमें खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल मुअक्कर। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल चौधरी के बिल पेश करने की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सख्त मुखालफत, कहा इनके तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं हुआ, आबादी 25 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, जजेस की तनख्वाहों के मामले के बायस ये बिल मिनी बिल है या नहीं देखना पड़ेगा। अदलिया के अस्खुद नोटिस इख्तियार का बिल कौमी असेंबली में पेश। JUI रुकन नूर आलम खान के पेशकर्दा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा, मुतासरा फरीक 30 रोज में अपील कर सकेगा। नूर आलम खान ने तोहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल भी अवाम में पेश कर दिया। सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का बिल भी पेश। स्पीकर ने तमाम बिल्स मुतलिका कमेटी को भिजवा दिए। तमाम विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ, विफाकी हुकूमत की पेंशन स्कीम का वजारत खजाना ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। स्कीम इन मुलाजमीन पर लागू होगी जो अग्रिम जुलाई या उसके बाद मुस्तकिल हुए स्कीम पे दिफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल होंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर शहादत अवान लड़ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में शदीद तल्ख कलामी। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज किया गया। सैफुल्लाह अबड़ो का पारा चढ़ गया, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दी। सेनेटर पलवश शाह और उमर फारूक ने माहौल को ठंडा किया। शहादत अवान इजलास से चले गए। सेनेट की कायम कमेटी इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ी। सेनेटर हुमायूं बहमन ने कहा
पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को बनाया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है हम पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं, क्या पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है? सेनेटर अली जफर ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को ही जवाब दे नहीं तो ये फिर किसे जवाब देंगे? आपने एक तरह से पार्लियामेंट के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। महमूद अचकज़ई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। तहरीके तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी का राबता। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अचकज़ई से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरतेहाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और माशी सूरतेहाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रखे हैं। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखला को ब्रीफिंग। कहा हमले अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट होते हैं। सेक्रेटरी दाखला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो मुआहदे के तहत छोड़े गए। कच्चे के डाकू का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। कच्चे में ऑपरेशन से पहले दोनों सूबों से बात कर रखे हैं। अगर बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इस वक्त बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुज़ाकरात करने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत एक्शन लेगी। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला के पी का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल करने का फैसला। अली अमीन कंडापुर से मेयर मर्दान की सरबराही में वफद की मुलाकात। अली अमीन कंडापुर ने कहा बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियारात देंगे। 10 सितंबर को बैठकर बल्दियाती नुमाइंदों के तहफ़ुज़ात का हल निकालेंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुशावरत के बाद असेंबली में पेश करेंगे। पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में फिर एहतजाज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पीडब्ल्यूडी की इमारत का घेराव। पुलिस की शैलिंग। अंदरूनी सिंध में फिर से मूसलाधार बारिशें। कराची में भी आज से बारिशें। मुतवा के मीरपुर माथेलो और कंदकोट में तेज बारिश। निशेबी इलाके से रेया बिजली का निजाम तरहम बरहम। मिट्टी इस्लामकोट और नंगर पार्कर में बारिश। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात जेरे आब। हालिया बारिशों के बाद सिंध भर में डेंगू केसेस में भी इजाफा। सूबे में डेंगू के 1220 केसेस रिपोर्ट। कराची में 170 डेंगू केसेस सामने आ चुके। बुरेवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। बच्ची जान बहा। खातून और दो बच्चे जख्मी। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां ना रुकीं। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। ज्यारत में मुसलसल बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रला ज्यारत के होटल और बागात में दाखिल। खुजदार में दो बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। तूबा चकजई झलमक्सी और दीगर असला में शदीद नुकसान। मुतासर इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू हुकाम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरसात कराची की सड़कों को बहा ले गई। सड़कें कचरा कुंडी और जौहड़ बन गई। जिला कोरंगी के हालात बुरे। गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर सफर इंतहाई मुश्किल। गंदगी में जमा पानी मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का सबब बनने लगा। मुकामी अफराद की जिंदगी अजीरन। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं पाकिस्तान के लिए कई साल बाद अच्छी खबर आई है। आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी रवामा मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता।
तेल की आलमी कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 4% से ज्यादा कमी हो गई। स्विट्जरलैंड का 33 साल बाद बगदाद में सफारतखाना खोलने का फैसला। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक सफारतखाना खोलने का मकसद इराक से ताल्लुकात मजबूत बनाना है। और पायलट्स की कमाल महारत, फसा में करतब। बिसर पे इंटरनेशनल एयर शो शुरू। तैयारों ने फसा में रंग बिखेर दिए।